ओम नमो आदेश गुरु को, आदेश गुरु को, आदेश गुरु को। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम या हुसैन, सबको मेरी तरफ से सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरा नाम रोहन सर अब्दयाल है, हिंदू कम्युनिटी से मेरा ताल्लुक है। 2004 से सोशल एक्टिविज्म में एज अ ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट काम कर रहा हूँ। मुस्लिम कम्युनिटी के साथ और दीगर कम्युनिटीज़ के साथ हमारा एक बेहतरीन और बहुत प्यारा रिश्ता कायम है। बचपन से लेकर अब तक हमारी दो जो मुस्लिम मेजॉरिटी कम्युनिटी के साथ जो ताल्लुकात हैं वो बहुत माशाल्लाह बहुत बेहतरीन है। अल्लाह के करम से मैं नेशनल लेवल पर नाखा भी हूँ और शुक्र के साथ और फ़ख्र के साथ ये बात बताना पसंद करूँगा और आपको, आपके लिए भी बेहद खुशी की बात होगी कि मैं आशिक रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हूँ और तमाम मज़ाहिब को वैसे ही रिस्पेक्ट देता हूँ जैसे मेरे अपने मज़हब ने मुझे अपने मज़हब के लिए सिखाई है। दीन इस्लाम के लिए और तमाम मज़ाहिब के लिए वही अकीदा, वही मोहब्बत और वही सब कुछ जो हमने माहौल से, कुदरत से और अपने धर्म से सीखा, हम चाहते हैं कि उन तमाम चीज़ों को उसी तरीके से अपने माहौल में और अपने रिश्तों में जो है हम डिलीवर करें। मैं एज अ सलामती फेलोशिप प्रोग्राम में एज अ सलामती फेलो काम कर रहा हूँ शोर फाउंडेशन के साथ और पीस इंटरफेथ हारमोनी पर मैं 2004 से एज अ सोशल एक्टिविस्ट काम कर रहा हूँ। मुख्तलिफ नेशनल और इंटरनेशनल इदारों के साथ एज अ पीस एम्बेसडर जो है मैं काम कर रहा हूँ। पाकिस्तान काउंसिल ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स, शोर फाउंडेशन और इस जैसे मुख्तलिफ ऐसे इदारे हैं जिनके साथ एक अमन के सफ़ीर के तौर पर मैं अपनी खिदमत जो सर अंजाम दे रहा हूँ। जी, जैसा कि दीन इस्लाम फरमाता है कि दीन में जबर नहीं, वैसे ही मेरे तमाम जितने मुस्लिम दोस्त हैं, दोस्त अहबाब हैं, मेरे जो असातिज़ा किराम हैं, उनमें से कभी भी किसी ने जबरन हम पर ये चीज़ इम्पोज़ करने की कोशिश नहीं की। और जब मेरी ज़ात में उस मज़हब के लिए इतनी मोहब्बत और इतनी अकीदत है तो कोई क्यों मुझे किसी चीज़ के लिए फ़ोर्स करेगा। जब मैं फ़ख्र के साथ ये बात करता हूँ कि मैं आशिक रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ तो सामने मौजूद शख्सियत जो उनके दिल में जो इज़्ज़त है और कदर है वो मेरे धर्म के लिए भी बढ़ जाती है, क्योंकि दीन इस्लाम की भी यही तालीमात हैं कि आप दूसरे के मज़हब को रिस्पेक्ट दें ताकि आपके धर्म को या आपके रिलीजन पर कोई उंगली ना उठाए। तो हमने यही प्यार, यही मोहब्बत अपने असातिज़ा किराम से, अपने दोस्तों से, अपने माहौल से ये चीज़ें सीखी और हम चाहते हैं कि फर्दर इसी प्यार को, इस मोहब्बत को जो हम फर्दर अपने हल्का अहबाब में और उन लोगों में डिलीवर करें जो चीज़ें हमने अपने माहौल से सीखी हैं। यस, वी फील सेफ। बचपन से लेकर अब तक हम अपनी होली, दिवाली, क्रिसमस जो है और अपने तमाम मज़ाहिब के जो हमारे जो गुरुपर्व है, जो सिख धर्म से जो जिनका जिस त्यौहार का ताल्लुक है, हम ये तमाम जो त्यौहार हैं बड़ी खुशी से और जो शुक्रों से मनाते हैं। हमें किसी किस्म की कोई मनाही नहीं है। आज इस तरह हम अपने मंदिर में आए, हम इस तरह चर्चेज़ में भी जाते हैं, क्रिसमस हम इकट्ठे सेलिब्रेट करते हैं, होली, दिवाली और मुख्तलिफ जो हमारे त्यौहार हैं वो इकट्ठे सेलिब्रेट करते हैं। हमें किसी किस्म की कोई रोक टोक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें मीडिया की तरफ से फैसिलिटेशंस मिलती हैं, हमें सिक्योरिटी की तरफ से फैसिलिटेशंस मिलती हैं, हमें अपने जो हमें तालीमी इदारे हैं उनकी तरफ से एक अच्छी सपोर्ट है और हम ऐसी कोई भी चीज़ करना चाहते हैं तो उनकी तरफ से हमें एक सपोर्ट है और हम अच्छे खुलूस से दिल से वो चीज़ें करते भी हैं। जी, इसके अलावा यह है कि हम दीन इस्लाम से मैं जो मोहब्बत है वो अपने एक एक, एक मिसरे से या एक बंद से मैं ज़ाहिर करना चाह रहा हूँ। मैं तो आशिक हूँ नबी का, 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 ज़िक्र सरवर में मुझे खोया हुआ रहने दो, इस पे दुनिया जो खफा है तो खफा रहने दो, ज़िक्र सरवर में मुझे खोया हुआ रहने दो, इस पे दुनिया जो खफा है तो खफा रहने दो, या मोहम्मद का वजीफा है लबों पर हरदम, या मोहम्मद का वजीफा है लबों पर हरदम, जिक्र सरवर में मुझे खोया हुआ रहने दो, मैं तो आशिक हूँ नबी का, मैं तो आशिक हूँ नबी का। थैंक यू वेरी मच।